तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, मैं इस चैनल इसके माध्यम से आप सबसे जुड़ता हूं। और बुधवार को एक स्पेशल प्रोग्राम जो हम रखते हैं, और यह प्रोग्राम होता है हम किसी एक प्रतिष्ठित तो ऐसे व्यक्ति जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेके हमारे सामने हमारे साथ रहता है, और उसकी स्टोरी जो है वो न केवल मुझको बल्कि सभी आप सभी को जो है वो इंस्पायर करती है, आप उससे मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ही जिस कार्यक्रम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो कार्यक्रम और उसका समय आज आ गया है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, वो गंगापुर की धरती से ही उनका जन्म और उनके पूरे जो जीवन का वृतांत आप सुनेंगे, तो पूरा एक मोटिवेशन से और एक इंस्पिरेशन से भरी हुई उनकी पूरी स्टोरी है। तो ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष, उनके पूरा सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, विचारक है, और एक बहुत अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक भी है, और एक अभी इस टाइम एडिशनल डायरेक्टर के पद पर है उदयपुर संभाग में। और आप जो है, तो मैं स्वागत करता हूँ इंदु शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपके माध्यम से जितने भी फोटो कार्ड में जुड़े हुए दर्शक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। सर, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा मुझे जितनी जानकारी थोड़ी सी आपके उसकी है वो मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूंगा। तो सर का पूरा ही वृतांत जो है वो काफी सम्मानों से, सृजन से और संपादन से भरा हुआ है। और जो है, तो मैं बात करूंगा जो दायित्व जो आपने संभाले है, आपका जन्म जो है यही गंगापुर सिटी में हुआ है, 1962 में आपका जन्म हुआ है, और आपने इतने दायित्व संभाले हैं। आप पहले राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में राज्य मंत्री दर्जा आपने प्राप्त किया, भूतपूर्व अध्यक्ष वहां पर रहे हुए हैं, उसके बाद आप साहित्य अकादमी और हिंदी परामर्श मंडल नई दिल्ली में भी सदस्य रहे हुए हैं, आप हिंदी सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रहे हुए हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली आप पूर्व सदस्य रहे हुए हैं, आप पूर्व सदस्य राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में रहे हुए हैं, और सदस्य एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली वहां पर आप जो है रहे हुए हैं, और अभी आप एडिशनल डायरेक्टर के पद पर है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में उदयपुर संभाग में। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा आपके सृजन की, जो आपने लेखन आपके काफी लेखन जो है प्रकाशित हुए हैं, एक खिली धूप में बारिश एक कविता संग्रह आपका 1996 में प्रकाशित हुआ, पीठ पर आंख एक कविता संग्रह जो 2017 में आपका प्रकाशित हुआ, कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कविता निबंध आलेख आलोचना आपने प्रकाशित हुई है आपकी, रास्ता राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भी आपकी कविताओं का चयन हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण बांग में खंड 9 में आपका लेखन में आपकी सहभागिता रही है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का परिषद गीत जो सृजन है वो 1992 में आपने किया, तो काफी अच्छा सृजनात्मक आपका पूरा जीवन रहा है। संपादन में भी आपने काफी अच्छा योगदान अपना दिया है, अर्थायाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों का संकलन है उसका संपादन आपने किया, जगतगुरु शंकराचार्य उसका संपादन आपके हाथों हुआ, राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है मधुमति उसका संपादन भी जून 2017 से जनवरी 2019 तक आपने अपने हाथों से किया, साहित्य परिक्रमा त्रैमासिक का संपादन अप्रैल 2019 से निरंतर अभी चल रहा है आपके हाथों से, और हिंदी और अन्य भारतीय भाषा पर विशेषांक का संपादन भी आपके हाथों से होता रहता है। तो और काफी पुरस्कार सम्मान आपने प्राप्त किए हैं, और सबसे पहले मैं उल्लेख करूंगा गंगापुर के ही यहाँ पर शहर में आपको मित्र परिषद द्वारा, गंगापुर सिटी के मित्र परिषद द्वारा आपको सन 2000 में सम्मानित किया गया। उसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र अखिल भारतीय कविता पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया, चंद्रदेव शर्मा स्मृति पुरस्कार आपको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मिला 1991 में, सुमनेश जोशी पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा आपको 1998 में मिला,
प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान, बाबूराव देवराव सेवा समिति। इसको थोड़ा मेरा निवेदन है गर्ग साहब, डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा छोटा करें, अपन बात करेंगे ये तो थोड़ा सा। बिल्कुल, तो सर का जो पूरा वृत्तांत पूरा जो है भरा हुआ है, और डेफिनेटली जो है, और अभी सर के मुझसे ही हम सुनेंगे उनका कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी और कुछ वो सुनेंगे। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा ये तत्पुरुष जो आपके शब्द के, आपने जो नाम के पीछे तत्पुरुष लगाया है, उसका एक्चुअल में क्या उसका मतलब है, और क्या थोड़ा सा वो भी मैं जानना चाहूंगा, तो थोड़ा सा वो आप थोड़ा सा बताएं हमारे। सबसे पहले तो मैं जैसे आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका भी अभिवादन कर रहा हूं कि आप ने एक बहुत अलग हटके काम शुरू किया है, और ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे दर्शक भी जुड़े हुए हैं इसमें जो मुझे जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उन दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जो सज्जन अभी फोटो कार्ड में मुझसे बात कर रहे हैं वो कोई साहित्यकार नहीं है, वो कोई लेखक नहीं है, वो इस अंचल का एक बहुत प्रसिद्ध और नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और आप सोच सकते हैं कि इस पूरे पूर्वी राजस्थान में कम से कम 4-5 जिलों में जिनके गर्ग हॉस्पिटल की बड़ी ख्याति है, और वे कम से कम 20 साल, तो मुझे ध्यान है कि 20 साल से वे इस गर्ग हॉस्पिटल को संचालन कर रहे हैं, और इन चारों तो आसपास के 4-5 जिले के रोगियों का एक बहुत कुशल आर्थोपेडिक सर्जन के रूप में वो संचालन कर रहे हैं, और ये एक बिल्कुल अलग हटकर काम कर रहे हैं। तो आपका परिचय भी उन लोगों तक जाए जो आपको नहीं जानते हैं लेकिन मुझे जानते हैं। तो मैं आपका इस नाते अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले आपने सवाल बड़ा रहस्यमय सवाल पूछ लिया, और रहस्यमय इसलिए कि ये बड़ा इसका अर्थ वैसे बड़ा कठिन है। तत्पुरुष शब्द का ये फिलोसॉफिकल शब्द है, एक दार्शनिक शब्द है, और वैसे साधारण रूप में लें तो एक दूसरे अर्थ में लें तो हमारे पुराणों में पंचमुख शिव की कल्पना की गई है, यानी उसके पंचमुख स्वरूप की एक रचना की गई है जिसमें 5 मुख हैं शिव के, अघोर, वामदेव, ईशान और महादेव आपके पिताजी का जो नाम है, और एक मुख है उसका तत्पुरुष। तो शिव के जो 5 मुख हैं उसमें एक मुख का नाम तत्पुरुष नाम है, और इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध आपने कभी पूजा हवन इत्यादि में सुना होगा, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तो तत्पुरुष शिव के एक मुख का नाम है, पहली बात। दूसरी बात, ये दार्शनिक अर्थों में सारी दुनिया, सारी सृष्टि तत् और एतत् में बटी हुई है, यह और वह में बटी हुई है। तो जो दूर है, साक्षी है, जो केवल देखने वाला है, एक भोक्ता है और एक साक्षी है। तो जो साक्षी है वो तत् है, और जो भोक्ता है वो एतत् है, यह है। तो ये जो दूर से दृष्टा है, साक्षी भाव से जो देखता है, वो तत्पुरुष है। और एक बहुत बड़ी मैं मजाक में कहता हूं जिसको, वो है तो विनोद की बात और मजाक की बात है, कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है ही मैन, तो ही को संस्कृत में कहते हैं तत् और पुरुष को कहते हैं मैं, लेकिन ये एक मजाक और विनोद की बात है। तत्पुरुष का एक्चुअल मीनिंग मेरे को पता लगा डेफिनेटली, और एक बहुत ही दार्शनिक और एक वो जो रियलिस्टिक में जो आपकी जो छवि है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो झलकता है आपके इस जो आपने जो लगाया, ये सरनेम जो आपने लगाया उससे आपका व्यक्तित्व रियल में झलकता है। तो डेफिनेटली जो है आज इसका व्याकरण में एक समास भी होता है। जी जी हाँ, तो पूरे समास व्याकरण में एक समास भी होता है, तो ऐसे उसमें बहुत सारी छटाएं हैं अर्थों की।
सर बहुत अच्छा सर आपका जो है ये, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा सर, थोड़ा सा आपका एक व्यक्तिगत जीवन का जो आपका सफर रहा है उसमें कुछ ऐसे पड़ाव जो आपने सफलता के शिखर जो आप छूते चले गए हैं, और वो थोड़ा सा उसके बारे में एक थोड़ा सा आप देंगे हमारे दर्शकों को। कहानी तो बड़ी, कहानी तो बड़ी लंबी है जीवन की कहानी, लेकिन कुल मिला के ये कि बचपन से शुरू करें तो मेरे ताऊ जी कविता लिखते थे, और हालांकि वो हम गंगापुर में रहते थे जब, और ताऊ जी अलवर रहते थे, तो गर्मी की छुट्टियों में जब आते थे ताऊ जी सपरिवार, तो वो कविता की बातें चलती थी, तो वो पांचवी छठी में ही जब हम पढ़ते थे, छठी सातवीं में, तो कुछ कविता के संस्कार, लेखन के संस्कार मन में आए, और मैंने पहली कविता छठी या सातवीं कक्षा में लिखी। लेकिन उसमें बड़े, क्योंकि बाल बहुत ही बल्कि शिशु अवस्था या बाल अवस्था में लिखी थी, तो उसकी बड़ी उसकी विनोद और उसकी मजाक भी खूब बनी, लेकिन वो मुझे याद है कि वो मैंने छठी सातवीं में लिखी, लेकिन वो कहीं दबी हुई रही बात। फिर शुरू से पिताजी भी मेरे जो है, और बड़ा घर में पुस्तकों का और पढ़ने का बड़ा माहौल था, तो बचपन में ही ये लोग बनारस में पढ़े थे, पिताजी और ताऊ जी दोनों काशी में, तो ये वहाँ के शास्त्रार्थों के, वहाँ के व्याख्यानों के, वहाँ के विवादों के, शास्त्र चर्चा के खूब किस्से हम बचपन में सुनते थे ताऊ जी से, पिताजी से। तो बचपन से ही कोई एक ऐसा अंकुर कि बहुत गहराई में चीजों को पढ़ने का मन में जम गया। खूब शास्त्रार्थ, मतलब हमारे घर में हम खूब वाद विवाद करते थे, और इस तरह का जो है बहस करते थे, बातें होती थी और ऐसी चर्चाएं होती थी, तो उन चर्चाओं से मेरे को काफी, हमें बड़ी पुष्टि और समृद्धि मिलती थी। हम सब बहन भाई भी आपस में उन चीजों को आगे बढ़ाते थे, और फिर मैं पढ़ता गया, तो जैसे सामान्य सब पढ़ते हैं, तो लेकिन जब मैंने आयुर्वेद में मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि पिताजी बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उनकी इच्छा थी मैं आयुर्वेद में जाऊं, और उसकी भी कहानी एक, मैंने मूल में तो विज्ञान पढ़ा था, मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैथमेटिक्स में पढ़ा, लेकिन हायर सेकेंडरी में इतने नंबर नहीं आए उस समय कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उस समय तो नहीं आए, तो क्या किया जाए। तो फिर पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है, एडिशनल कुछ पेपर देके और आयुर्वेद कॉलेज में भेज देते हैं, तो वो तो फिर मेरी सेकंड दूसरी जो पूछी थी तो वहां चला गया। लेकिन एक बड़ी मजेदार घटना मैं आपको बताता हूँ, जो आपका शीर्षक भी है कि कोई घटना कोई सफलता की, लेकिन मेरी घटना मैं असफलता से शुरू करूंगा, विफलता से शुरू करूंगा। मैंने BMS किया, आयुर्वेदाचार्य किया, और फिर उसके बाद मैंने जो हमारे यहाँ MD होती है वो भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जो एक बहुत देश का सबसे शीर्षस्थ आयुर्वेद अध्ययन का संस्थान है, वहां से किया। और पढ़ने पढ़ाने का बचपन से ही इतना मोह था मेरे को, हमारे ताऊ जी संस्कृत पढ़ाते थे तो मैं सुनता था, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था लेकिन सुनता था, तो मुझे अच्छा लगता था सुनना। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो सेकेंड ईयर में पढ़ता था तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, और जब थर्ड ईयर में पढ़ता था तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, या मैं जब क्लास नहीं लगती थी तो मैं क्लास लेता, और वो मुझसे बड़े रुचि और चाव से पढ़ते थे मुझसे। एक बार स्ट्राइक हुई 5-6 महीने की, 4-5 महीने की, तो उन स्ट्राइक्स में मैं बच्चों की या छात्रों की, जूनियर्स की क्लास देता था, उनकी इच्छा हो। खैर, तो कुछ वर्ष सर्विस करने के बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, और एक सीट थी। हम दिल्ली विज्ञान भवन में इंटरव्यू देने गए, 9:30 बजे का समय था, लॉन में बैठे हुए थे, तो मेरा एक मित्र जो मेरे डिपार्टमेंट का था, हम 4 मित्र थे, एक ही बैच के थे, 3-4 मित्र, वो मेरे क्षेत्र का था, तो उसने देशी भाषा में इंटरव्यू के आधा घंटे पहले ये कहा कि अरे यार, हम तो सब वैसे ही हैरान होने आए हैं, सिलेक्शन तो ये हिंदू का होना है। मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि
चीजें मेरी अच्छी पढ़ाई ठीक की हुई थी, ठोस पढ़ाई की हुई थी, जिसको ठोस कह सकते हैं। उसने कहा कि सिलेक्शन तो इसका होना है, हम तो हैरान होने ही आए हैं वैसे ही। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, देखते हैं जो भी होगा, मैंने कि हो जाए तो ठीक है, वरना दुर्भाग्य है। तो उसने तत्काल कहा, मेरे मित्र ने, हेमराज ने, अरे यार दुर्भाग्य की क्या बात है, वैसे भी अपन सर्विस में है, नहीं होगा तो नौकरी तो करेंगे। तो मैंने कहा अरे सुन, अधूरी बात सुनिए, दुर्भाग्य मेरा नहीं होगा, दुर्भाग्य एनआईए का होगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुर्भाग्य एनआईए का। ये बात मैंने उस समय उससे कही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ करूंगा, अगर मुझे वहां पे सिलेक्शन हुआ मैं कुछ कर पाऊंगा। सही बात। और सचमुच मैं बड़ा आहत हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो सीट किसी और को, कुछ सरकारी प्रक्रियाओं के कारण जो भी रहा हो, वो रिजर्वेशन में आ गई और ये रिजर्वेशन में आने के कारण मेरा नहीं हुआ और वो किसी दूसरे का एड नहीं। मुझे इस बात से बड़ा धक्का लगा और मैंने मन किया कि मुझे अब कोई दूसरी रास्ता चुननी है। और मैंने अपना जो बनाने के लिए साहित्य में कुछ बनाना है, और एक बार तो मैं इतना आहत हुआ कि मैंने विभाग भी छोड़ दिया। और फिर आपको मालूम ही है कि मैं ICDS में वहां रहा और फिर वहां भी मेरा काफी अच्छा रहा। ICDS मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, डेपुटेशन पे रहा, फिर वहां मेरे को डायरेक्टरेट में भी बुलाया गया, वहां मैंने कुछ प्रशासनिक कार्य किए। और उसी समय से फिर एक प्रतिक्रिया स्वरूप या समझिए मैंने साहित्य में फिर मैंने कुछ करने की कोशिश की और बड़े ठीक ठीक काम जो मुझे लगे, जो मैं वैसे नहीं कर पाता वो किए। और ये सब जीवन के एक दूसरे क्षेत्र में मैं मुड़ा और ये एक एक विफलता मुझे मिली और उस विफलता के चैलेंज से मैं साहित्य के क्षेत्र में गया। और वो जो सूची आप बड़ी लंबी चौड़ी बता रहे थे वो एक छोटी सी सूची थी, और जो एक आप बता रहे थे तो वो मध्य एक अखिल भारत बहुत बड़ा पुरस्कार जो होता है 1,00,000 रुपए का, वो मुझे मेरी काव्य संग्रह पे मिला। और ये सारी चीजें बिल्कुल साहब आपने बताया, साहित्यिक जो आपका रुचि और आपका जो पैशन था, डेफिनेटली वो अल्टीमेटली एक्चुअली जो डेस्टिनी जो होती है वो अपने आप डिसाइडेड हो जाती है, और आपके जितने भी कर्म और वो सारे वो उसको उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपको जो है वो अल्टीमेटली पहुंचना होता है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा सर, वो विफलता कुछ भी नहीं, वो विफलता नहीं थी बल्कि वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपको इससे भी बेटर करना है। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, इससे भी बेटर आपको जो है और आपको पहुंचना है। और मैं अच्छी तरह मुझे मालूम है आप यहाँ पर ICDS में थे उस टाइम भी आपका जो जज्बा और जो वो था, क्योंकि जो काम करने का आपका जज्बा और जो था जो आपको हर क्षेत्र में करना है वो डेफिनेटली आपने उसमें ईमानदारी से किया, और उसी का नतीजा है कि आज आप जो है इसे इस पर है और आपको डेफिनेटली जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर। अभी मैं एक फेसबुक पे आपका देख रहा था जिसमें आपका विदाई समारोह था किसी उससे आप डिपार्टमेंट ऐसा आपका हुआ, तो इतने लोगों का प्यार, एक पिक्चर स्पीच 1000 वर्ड जो हमारा उसमें बोला जाता है, एक पिक्चर ही सब कुछ कह देती है, तो वो पिक्चर ही बोल रही थी कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना लोग आपका सम्मान करते हैं। तो वो चीज थी इसी आपके उसके स्टोरी के दौरान मुझे याद आया कि आपके पिताजी जो है वो बहुत बहुत प्रसिद्ध जो चिकित्सक रहे हैं गंगापुर में, और काफी जो है मैं भी उनको कई बार मैंने उनको सुना है, आयुर्वेद में बहुत एक अल्टीमेट नॉलेज जो कह सकते हैं वो आपके उनको थी, तो डेफिनेटली जो है वो उसका मेंशन करना मुझे यहाँ पर बहुत जरूरी था। और एक बार थोड़ा सा आप भी बताएं अपने उनके जो है उनका उनका जो दो बातें हैं, दो बातें हैं कि मुझ मैंने कविता के संस्कार मेरे ताऊजी से लिए, और जो आयुर्वेद में मेरी जो बहुत गहन अध्ययन और ये, क्योंकि आपने ठीक ही कहा मेरे पिताजी भी जो है बहुत ही निष्प्रय और चीजों को बहुत उजागर करने वाले नहीं थे, अन्यथा ऐसी सक्सेस स्टोरी, ऐसे दुर्लभ चिकित्सा के उदाहरण मैंने देखे हैं और उन्होंने ठीक किया और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी आयुर्वेद की, और वही मेरी प्रेरणा का कारण रहा। लेकिन जब मेरे पिताजी का जब बहुत एक्सीडेंट हो गया और उनके हड्डी जब बुरी तरह से टूट गई थी और ये है, तो आपने जिस सहजता और आत्मीयता से और जिस बहुत बड़ा भरोसा उनको था कि बहुत ही संवेदना और सही के कारण था और वो आपने कह रहा, तो उनका बड़ा आयुर्वेद में था
और आयुर्वेद के का उन्हीं की एक तरह से देन थी जो मैं आयुर्वेद में कुछ सफल हो पाया या मैं कुछ सीख पाया और मैं उधर जा पाया। और आज भी इस विषम परिस्थिति में आपको मैं सच बताऊं कि ये जो कोविड की बहुत बड़ा वो चल रहा है तो हम लोग भी अपने मोर्चे पे डटे हुए हैं और बड़े अनुभव जो है उन्हीं से सीखे हुए अनुभव जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट और सीवेट की जो मैनेजमेंट है उसमें लोगों को कर रहे हैं तो अच्छा ही आयुर्वेद का मुकाबला ही नहीं है। हम रोगों को पैदा ही नहीं होने दे उसके लिए तो आयुर्वेद का कोई मुकाबला ही नहीं है डेफिनेटली। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, एक समझदार एक एमएस ही कह सकता है इस बात को जो वास्तव में समझ रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली क्या है, हमको डिजीज स्पेसिफिक बनाया जाता है। हमारे मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हमको डिजीज स्पेसिफिक बनाते हैं, हमको हेल्थ स्पेसिफिक नहीं बनाते, हमको स्वास्थ्य का डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हमको बनाएंगे बीमारियों का डॉक्टर, यानी कि हम बीमारियां सही कर सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य रेस्टोर नहीं कर सकते, किसी का स्वास्थ्य को उसको होलिस्टिक। दूसरा स्वास्थ्य की जब तक जहां तक बात आती है सर, मैं अपने फेसबुक के लाइव चैनल वीडियोस के जरिए भी मैं यही संदेश देता हूं कि स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, कि आप सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रख ले ये नहीं, आपके शरीर के साथ आपका मन, आपकी भावना है और आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी जो है वो भी हेल्थी होनी चाहिए, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और डेफिनेटली होलिस्टिक अप्रोच सिर्फ और सिर्फ गोलियां खाके या दवाइयां खाके कभी भी आ नहीं सकती, तो एक होलिस्टिक अप्रोच जब तक नहीं होगी, हेल्थ स्पेशलिस्ट कोई मेडिकल साइंस आपको हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं बना सकता, वो डिजीज स्पेशलिस्ट बनाएगा। मेरे को डिजीज स्पेशलिस्ट बनाया है, मेरे को हड्डियां जो है वो बीमारियां उनको सही करने का बनाया है। तो डेफिनेटली सर इसमें कोई वही नहीं है, कोई दोराय नहीं है, आयुर्वेद का अपना एक पूरा विशेष रोल है और हेल्थ को कम से कम बनाने में विशेष रोल है। हमारे साथ व्याघ्र पांडे जी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठतम चयन आज तत्पुरुष जी को आप यहाँ पर लेकर आए, एक श्रेष्ठतम चयन आपने किया है। डेफिनेटली साहित्य से मेरा भी जुड़ा हुआ है सर, मेरा जो पापा है वो थोड़ा साहित्य गतिविधि में रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आपने भी आदरणीय महादेव जी के संस्कार आप में आए हैं और वो स्वयं जो है इस तरह के संस्कार ही, देखिए पिता के संस्कार पुत्र में आते ही है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको भी नमन करता हूँ कि उनने आप में सत संस्कार साहित्य के डाले हैं। कुछ सफलता के दो तीन मंत्र ऐसे जो है आपको कुछ बताए, अगर क्या शॉर्टकट का जमाना हो गया, हर कोई जो है शॉर्टकट चाहता है, तो कुछ इस तरह के सफलता के मंत्र दो तीन जो आप देना चाहेंगे, जो आपकी पूरी जीवन काल में आपने सीखा कि भाई ये जो है बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी लाइफ में इनको अपनाएं और डेफिनेटली अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में हम अपने आप को उत्तरोत्तर वृद्धि करें, थोड़ा सा कुछ इस तरह के कुछ दो तीन आप देखिए। मंत्र जैसे उपदेश में बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रश्न पत्र है और उसके आंसर हर व्यक्ति के अलग है, और इसलिए कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपकी बातों में से ही अभी तत्काल निकालता हूं, आपने एक बात थोड़ी देर पहले कही थी और वही मंत्र है। आपने जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, फिजिकल के अलावा इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, तो दरअसल हमारा जो अपना पूरा एक जो शरीर है, जो हमारी पूरी जो एक काया है, इसके चार स्तर हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, देह, मन, बुद्धि, आत्मा। और कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज या कोई भी शिक्षा या कोई भी उपदेश जो इन चारों को समृद्ध करेगी, वही व्यक्ति को सफल और सार्थक बनाएगी। अब ये सब शब्द निकल गया है, सफलता सफलता सफलता, वास्तव में तो ये सार्थकता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सक्सेस सक्सेस, तो अब जो ये सक्सेस मंत्र और सक्सेस, तो ये सारी जो फिजिकल अचीवमेंट्स हैं, जो दिखावटी जो अचीवमेंट्स है उसी को देखे जाते हैं,
सार्थकता नहीं देखी जाती। तो सार्थकता जो आपने ही बोला है, मैं आपकी बातों में से निकाल रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कुछ उपदेश नहीं दूंगा, कि जो भी इन चारों स्तरों पर अगर पोषण करेगा, बेशक शरीर का पोषण होना चाहिए, तो कौन सी चीजें हैं जिससे हम शरीर को पुष्ट कर सकते हैं? तो प्रतिदिन व्यायाम भी करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ भी रखना चाहिए, शरीर के लिए बैलेंस, खूब परिश्रम करना चाहिए। देखिए अब एक बड़ी मजेदार आप बात देखिए, चारों तरफ कोरोना फैल रहा है, एक चीज तो अनुभव सबने किया होगा कि जो बहुत मेहनत करते हैं, जो प्रतिदिन पसीना बहाते हैं, जिम वाला पसीना नहीं, जिम तो एसी होते हैं आज, एसी वाले नहीं, जो मेहनत करके पसीना बहा, उनमें कोरोना की ग्रेड बहुत कम मिलेगी आप, वरना वो एक एक कमरे में चार चार लोग सोते हैं, आपकी परिवार सबके अलग अलग कमरे हैं, लेकिन वो चार चार छह छह लोग एक कमरे में सोते हैं, दो कमरों में वो अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं, वो अपने मरण प्राण जीवन सारे वो दो कमरे के घर में और बाहर की सड़क में कर लेते हैं, बस्ती में कर लेते हैं, इतने वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो मेडिकल साइंस से तो संक्रमण सबसे ज्यादा उनको होने चाहिए ना, लेकिन आप देखिए कि उनकी मृत्यु दर भी बहुत कम है और संक्रमण दर भी बहुत कम है, क्योंकि वो प्रतिदिन पसीना बहाते हैं। विषयांतर हो जाएगा और समय अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं संक्षेप में कहूं, शारीरिक स्तर पर हमको समृद्ध होना चाहिए, ये सक्सेस मंत्र, चाहे वो विद्यार्थी है, आज विद्यार्थी घरों में पढ़े, एक महीने से बैठे पढ़ लिए, मैं कहता हूं उनसे, अरे आप प्रतिदिन आधा घंटा क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे भी क्यों नहीं कर रहे हैं, अब घर में है एक्सरसाइज, शारीरिक मानसिक इमोशनल जो समृद्धि है, हमको वो भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ये सक्सेस मंत्र है। आप मानसिक रूप से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, तो आपको भावनाओं को देखिए, एक बहुत बड़े गेटे करके एक बड़े साहित्यकार हुए थे जी, और गेटे ने एक महाकाव्य लिखा है और उसकी एक बहुत छोटी सी कहानी है जो मानसिक मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है जी। वो गेटे ने, गेटा एक रूपक लिखता है कि मेरे दो कुत्ते हैं, एक सफेद कुत्ता और एक काला कुत्ता, मेरे पास दो कुत्ते हैं, एक सफेद कुत्ता है एक काला कुत्ता है, दोनों लड़ते हैं, निरंतर लड़ते हैं, हर समय लड़ते हैं। तो प्रश्न करता है गेटे ही कि जीतता कौन सा है, गेटे कहते हैं वही मैं जिसको सबसे ज्यादा मांस खिलाता हूं। अब आप प्रतीक देखिए कि दो प्रवृत्तियां मेरे भाव आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, और एक काला कुत्ता है एक सफेद कुत्ता है, दोनों मस्तिष्क में दोनों निरंतर लड़ते हैं। तो जिस कुत्ते को मैं ज्यादा मांस खिलाता हूं, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, वही कुत्ता जीतता है, मैं उसको सबसे ज्यादा पोषण दे रहा हूं। तो जब निर्णय का समय आता है तो जिसका मैंने सर्वाधिक, जिस कुत्ते का मैंने सर्वाधिक विचारों से सोच सोच के भावों से पोषण किया है, तो निर्णय के समय वही काला कुत्ता जीतेगा या सफेद कुत्ता जीतेगा। बिल्कुल। तो ये जो हमारी इमोशनल जो वेलबींगनेस है, फिजिकल वेलबींगनेस, देन इमोशनल वेलबींगनेस, तीसरी होती है इंटेलेक्चुअल वेलबींगनेस, वो और भी बड़ी हुई होती है। रावण की इंटेलेक्चुअल वेलबींगनेस और फिजिकल वेलबींगनेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये आगे की बात है, तो हमारी लेकिन इंटेलेक्चुअल वेलबींगनेस भी होनी चाहिए, हमारी बौद्धिक क्षमताएं बहुत पढ़ने से, अच्छा अच्छा पढ़ने से, खूब पढ़ने से आती है, लेकिन अंत में आती है हमारी स्पिरिचुअल वेलबींगनेस, हमारी आध्यात्मिक समृद्धि, हमारा आध्यात्मिक पोषण, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये होनी चाहिए। तो मैं जो रावण का उदाहरण दे रहा था, उसकी स्पिरिचुअल वेलबींगनेस नहीं थी, चाहे वो होगा विद्वान होगा, सही बात। तो इसलिए हमारे शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आत्मिक इन चारों स्तर पर हमारी वेलबींगनेस मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, और ये हमारे एक मेरी एक एक चिकित्सा से जुड़ा हुआ होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और एक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने के अलावा साहित्य एक पाठक होने के नाते, अच्छा पाठक हूँ,
हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं निरंतर पढ़ता हूँ, मेरी ये बातें हैं और यही मुझे लगता है कि ये टिप्स हम सबको उपयोगी होनी चाहिए। बहुत ही सटीक तरीके से जो है, और ये जो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र आपने दे दिया, और डेफिनेटली आपने मेरे विचारों को तो पूरा सॉलिड कर ही दिया है, क्योंकि मैं डेफिनेटली जिस पर बिलीव करता हूँ आप जैसे विचारों से वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गया है, और जिस तरीके से आपने वो रूपक बता के जिसको वो किया है कि डेफिनेटली जिस विचारों को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, जिस विचारों को हम ज्यादा रखेंगे, वही विचार हमारे उसमें ज्यादा ग्रो करेंगे। डेफिनेटली ये तो एक फर्टाइल लैंड है, ये तो पूरा माइंड तो एक फर्टाइल लैंड है, इसमें जो आप बोओगे वही आपको जो एज यू जो आप बोओगे वही आप काटोगे, वो वाली बात होगी। तो डेफिनेटली वो आपका बहुत अच्छा, जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आप जो है जुड़े हैं आज जो है आपने, और एक साहित्यिक चर्चा इस पद पर हुई है। डेफिनेटली मैं साहित्य में जो है बिल्कुल जीरो स्केल, अगर दें 0 से 10 तो मैं 0 पर हूँ, लेकिन मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, और आपकी ये जो साहित्यिक विचार धारा है उनमें कुछ मेरे को मिलता है वो डेफिनेटली, क्योंकि मेरा हमेशा ही लर्निंग का वो रहा है। और डेफिनेटली आज जो हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी काफी लाभान्वित हो रहे हैं, आपके जो विचार है उनसे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो दर्शकों को आप और कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ इस तरह का गंगापुर के जो आपको गंगापुर की धरती से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका प्यार गंगापुर धरती से ही है, यहाँ के लोगों से आपका प्यार है, तो काफी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ संबोधित करें, कुछ उनको कहें, कुछ उनके लिए स्पेशल कुछ आपका मैसेज हो तो वो आप। ये सारी बातें जो मैंने सीखी है, जो मैंने आज कही है, वो सब मैंने उसी धरती से सीखी है, उसी धरती के लोगों से, वहीं के लोगों से, वहीं के बचपन से लेके आज तक उनसे बात से, संपर्क से, चर्चा से उनसे सीखी है। और ये इसलिए मेरी तो पाठशाला जो, और बल्कि मेरे सोच का विश्वविद्यालय भी वही है, तो मेरे सारे इष्ट मित्र वही हैं, इन्हीं से मैंने चर्चा करके, उन्हीं के साथ बैठ के उठ के वहीं सीखी है। इसलिए कोई प्रश्न अगर किसी का आया हो तो आप बताएं, तो मैं कुछ कहूँ, नहीं तो फिर हमारे सारे जो मित्र जुड़े हुए हैं यहाँ, पता नहीं चल रहा कौन कौन मित्र हैं मेरे पास इस समय, कौन अच्छा विजेंद्र सिंह जी है, आशा शर्मा जी भी है, अच्छा प्रिंसिपल साहब हमारे हैं, और बिगर जी तो आजकल काफी पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, और आशा जी बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं जो जुड़ी हुई हैं, और उनकी कई और जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा अभिवादन है। ये कार्यक्रम रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये रिप्ले भी होगा, ये यूट्यूब पर भी जाएगा, तो सारे दर्शकों को ये नहीं कि सिर्फ यही लाइव ही देख रहे हैं, बाद में भी इस कार्यक्रम से जो लाभान्वित होंगे सारे, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। एक्चुअली क्या आपसे बात करने का समय, तो ये समय कब निकल गया पता नहीं लग गया मेरे को, आधा घंटा कब हो गया, और डेफिनेटली आपका भी समय की व्यस्तता और ये देखते हुए और जो है कार्यक्रम को सज्जित थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन आपने नटशेल में जो सब कुछ जो है आपने बता दिया और एक बहुत अच्छा एक मंत्र आपने दिया है, और डेफिनेटली ये जो है हमारे जीवन की सफलता के लिए बहुत अच्छा एक जो है वो रहेगा, एक माइलस्टोन साबित होगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, बहुत बहुत आभार पूरे दर्शकों की तरफ से भी आपको, बहुत बहुत आभार, मैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, और आज जो है एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू हुए, और डेफिनेटली आपका यही प्यार हमें बार बार मिलता रहेगा, अभी गंगापुर आप जब आए तो जरूर जो है एक बार हमारे घर पर आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वार्ता का और संवाद का अवसर दिया, और इस संवाद के अवसर के लिए मैं आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये कार्यक्रम फोटो कार्ड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, फोटो कार्ड एक मार्केट प्लेस ऐप है, ये एक प्रकार का रिटेलिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री टूल्स प्रोवाइड करते हैं, और डेफिनेटली गंगापुर क्या मैं हूँ, गंगापुर के ही सर है और गंगापुर की धरती से ही जन्मा है ये फोटो कार्ड, तो डेफिनेटली आप जो है जरूर इसको एक बार देखें, ये बिल्कुल फ्री टूल्स है, और ये जितने भी छोटे बड़े रिटेलर हैं, हम तीनों गंगापुर की फोटो कार्ड आप और मैं, हम तीनों वहीं की धरती तो डेफिनेटली इसका फायदा ये सब लेंगे, और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को एंड करता हूँ, सभी को धन्यवाद के साथ, आभार के साथ, धन्यवाद, नमस्कार।